Assalamu alaikum to all my dear students of SDMES Boys English Medium Primary School. How are you all, beta? Now myself, Mulla Tabassum, your Arabic teacher. So in Arabic, we will continue with the number concept, okay? 1 to 20. Now in the last lecture, I have explained you the difference between the Urdu numbers and the Arabic English numbers. Is tarike se hume jo hai Urdu mein numbers likhe jate hain aur is tarike se English mein. Theek hai, main ek bar aapko ye revise karwa deti hu. 1 2 तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस. ठीक है, इसी तरीके से हम इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ते हैं इसे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट, अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट नंबर्स, दैट इज 11 to 20. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज की डेट डालनी है. ठीक है, दैट इज 9 of July. और यू हैव टू राइट ऑल द नंबर्स 5 times इन योर नोटबुक्स. सो पहले मैं आपको इंग्लिश में नंबर्स पढ़ा देती हूँ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. नाउ यहाँ पे हम इसे उर्दू में किस तरीके से पढ़ते हैं. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20 ये हमारी गुजराती में होता है. इसमें तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन साउंड जो है वो थोड़ा सिमिलर हो जाता है. सो आप वापस से एक बार ध्यान दीजिए. 11 को हम क्या कहते हैं, 11. 12 को 12. 13 को 13. 14 को 14. 15 को 15. 16 को 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. और 20 यानी 20. सो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है. आपको एक एक इंडिविजुअल नंबर दोनों साथ में लिखने हैं. आपको इंग्लिश का नंबर भी लिखना है और उर्दू नंबर्स भी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो. सो आपको पता चले कि अगर मैंने इंग्लिश नंबर दिया तो उसको उर्दू कैसा है, और अगर उर्दू में नंबर दिए तो उसका इंग्लिश किस तरीके से लिखना है. ओके बेटा, सो ये आपको आपके नेक्स्ट पीरियड तक 5 times आपकी नोटबुक में लिख के कंप्लीट कर देना है. सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है. हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन्स हो तो. ओके बेटा, चलिए, अल्लाह हाफिज़.